सेक्स दुनिया के सबसे पावरफुल वर्ड्स में से एक है, जो अपने आप में एक क्वेश्चन और आंसर दोनों है, और इससे सभी अग्री करेंगे, चाहे वो ये एंशिएंट ह्यूमन हो, रोमन सोल्जर, मिडिल एजेस के लोग या फिर मॉडर्न ह्यूमन। बट सेक्स एज वी नो इट हमेशा से ऐसा नहीं था। ये आज से 2 बिलियन साल पहले रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर चुके थे, और मॉडर्न ह्यूमंस को जैसा सेक्स पता है उसे इवॉल्व होते होते 1.5 बिलियन ईयर्स लग गए। एंशिएंट ह्यूमंस की सेक्स लाइफ के बारे में जानने के लिए हमें टाइम और स्पेस दोनों में पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि स्टोरी के 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहले होमो सेपियंस, जो अफ्रीका में आज से 1,00,000 से 40,000 साल पहले माइग्रेट करना स्टार्ट कर चुके थे, और जिन्होंने बाद में डिफरेंट होमिनिड स्पीसीज के साथ कभी हेट तो कभी लव का रिलेशन रखा, और इस वजह से इनका माइग्रेशन पैटर्न कुछ इस तरीके का दिखता है। अब आते हैं स्टोरी के दूसरे कैरेक्टर नियंडरटाल्स पर। जब होमो सेपियंस अफ्रीका से बाहर निकले तो उन्हें यूरोप और एशिया में नियंडरटाल मिले, जो कि मस्कुलर थे, जिनका दिमाग मॉडर्न ह्यूमन से भी बड़ा था, अनलाइक व्हाट वी सी इन द हॉलीवुड मूवीज। खैर, एरन के बाद हम आते हैं स्टोरी के तीसरे कैरेक्टर पर, डेनिसोवंस। ये साइबेरिया से लेके ईस्ट एशिया में रहते थे, और ये पहली ऐसी स्पीशीज थी जिसके बारे में हमें उनके डीएनए से पता चला, और आज से 30,000 साल पहले भी ये अर्थ पर प्रेजेंट थे। खैर, ये बातें तो हो गई, बट सबसे बड़ा सवाल, इन ह्यूमंस की सेक्स लाइफ के बारे में हमें पता कैसे चला? इसका आंसर है डीएनए सीक्वेंसिंग। मॉडर्न नॉन अफ्रीकन ह्यूमंस में 2 से 6% डीएनए नियंडरटल्स का है, और साउथ ईस्ट एशियंस में 1 से 2% डीएनए डेनिसोवंस का है। तो अगली बार जब टिंडर या बंबल पर राइट स्वाइप करते हो तो थैंक गॉड दैट यू आर डेटिंग अ ह्यूमन।